वेलकम टू द पार्ट टू। और इस ब्लॉग में वही वाला दिन था और लगभग 12 बज रहा था टाइम। तो ये रोड क्रॉस करने में हम लोग 11 बजे सोनारपुर घुसे। वो एक एक्चुअली मेघालय का लास्ट पार्ट है, एक पहाड़ है, वही का रोड है ये, जो ऐसे थोड़ा पहले मतलब पूरा 40 किलोमीटर बहुत ही मतलब ख़तरनाक रोड है। इस तरह का जैम मिलेगा आपको ट्रैक, ये रेनी सीज़न के लिए है, लेकिन विंटर में शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, इधर ट्रक्स वगैरह इतनी लाइन लगाते हैं और प्राइवेट कार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ये रोड क्रॉस करने में। और ट्रक के बारे में तो क्या बोलूं, लेकिन हम लोगों का बाइक था, शुक्र है, क्योंकि आप गलत लेन से ओवरटेक कर नहीं सकते और कोई कोई कर रहा था, इसके वजह से हम लोगों को थोड़ा परेशानी तो हुआ है। जो कार्स वगैरह थे तो बाइक वाले आसानी से जा सकते थे, लेकिन फिर भी 40 किलोमीटर हम लोगों को 4 से 5 घंटा आराम से लग गया था। और एक अच्छी बात था, और एक बंदे मतलब हम तो जा रहे थे दो लोग, हम लोग के शहर से और एक बाइक मिला था हमको रास्ते में, वो भी गुवाहाटी जा रहा था, उनका भी डेस्टिनेशन कुछ सेट नहीं था कहाँ जाएगा वो लोग। तो वो लोग वही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि इतना रोड ख़राब है, तो रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। प्राइवेट कार लेके आप जा रहे हो इस रोड से तो आपका तो मतलब नीचे लगना ही है, कोई भी कार हो या ट्रक ही घिस जा रहे हैं, ट्रक ही पलट जा रहा है इधर इस रोड में। एक ट्रक था जो फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट जो मैंने दिखाया था, एक ट्रक पलट गया था प्लाईवुड का, वो शायद गुवाहाटी से जा रहा था। तो ये रोड क्या बताऊँ, और ये सब ख़त्म करके हम लोग अभी पहुँचेंगे जॉय से थोड़ा पहले, उधर हम लोगों का लंच होगा। और बाइक का हालात मतलब बहुत ही ख़राब है, इतना ख़राब है कि देखते हैं आगे कोई वाटरफॉल होगा या फिर पानी का कोई सोर्स होगा तो हम लोग उधर से वॉश कर लेंगे बाइक। और मिट्टी धूल सब कुछ मिलेगा आपको इस रोड पे, गड्ढा, और ऐसा खतरनाक गड्ढा मिला, तभी कैमरा ऑफ था, मतलब पूरा हिमालयन इंजन तक अंदर चला गया था, इस तरह का स्मूथली बाहर आ गया, वो तो हिमालयन की खासियत है, लेकिन कई और बाइक होता ना तो और भी दिक्कत हो सकता था हम लोग। ये रोड अभी ख़त्म हो जाएगा कई मतलब एक घंटा और लगेगा, तो मैं ये वीडियो पूरा तो नहीं डाल सकता, तो कट करके मैं डाल रहा हूँ। और एक चीज़ इस रास्ते में क्या है ना, मुझे एक बंदा भी मिला था जो बोल रहे थे, बुला रहे थे कि आओ थोड़ा खाना खा के जाओ, ये सब में फंसना नहीं है, इधर रुकना ही नहीं है, कहीं भी मतलब कोई भी बुलाए कभी रुकने को बोले कभी मत रुकना। और ये दिन में हुआ हम लोगों के साथ, रात में तो हर किसी नहीं रुकना है। अभी देखिए पूरी तरह फंस गया, इधर से निकलना है, बाइक से उतर के बाइक घुमा के फिर जाना होगा। हाँ, और निकल चुके हैं इस जाम से, कैमरा थोड़ा नीचे है, इस
को एडजस्ट करना होगा। अभी रोड ऐसा ही है, तो देखते हैं आगे कोई वाटरफॉल या फिर पानी कुछ मिलता है कि नहीं। बस इस रास्ते से आ रहे हो तो थोड़ा संभल के, थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि और कार से आ रहे हो तो एटलीस्ट 10 to 12 hours। ये एक्चुअली लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा नहीं लगता है। और रेनी सीज़न में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, जैसे कि ये सोमो जा रहा है ओवरटेक करके, लेकिन आगे तक नहीं जा पाएगा, वो रुक जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन जितना भी हो सकता है वो क्रॉस कर रहा है। और हम तो बाइक है, और ये मिट्टी बहुत ही स्लिपरी है, और ये जो गड्ढे है ना मतलब। और फाइनली हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया पानी, और एक भैया अपने बस दौड़ रहा था, तो उधर से हम ना बाइक क्लीन करके, नंबर प्लेट क्लीन करके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और एक शहर मिल गया हम लोगों को, इधर से लंच करके फटाफट निकलना है, और इसी वाले ढाबे से हमको लंच करके फिर से जर्नी स्टार्ट करना है। और गुवाहाटी पहुँच तो बहुत शाम हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा हम ब्रेक भी नहीं ले रहे, जितना हो सकता है हम लोग खींच रहे हैं बाइक। और इधर से हम लोग का होगा लंच, लाइट लंच, उतना हैवी लंच नहीं करना है। और हम लोग उधर से निकल चुके थे, तो वीडियो थोड़ा कट कर दिया मैंने। और ये मेरा भाई वो फॉग लाइट वॉश कर रहा है, तभी ठीक से हुआ नहीं था, फिजिबिलिटी नहीं आ रहा था, तो हम लोग एक जगह रुक के, अंधेरा हो चुका है ना इसलिए फॉग लाइट थोड़ा वॉश करके हम लोग फिर से निकल चुके हैं। हम लोग को और एक बार ही पेट्रोल डालना होगा बाइक में, मेरे में तो है उस क्या, दोनों टैंक फुल करवा देंगे, और चेन भी क्लीन करना होगा। अभी एक पेट्रोल पम्प देख के रुक के उधर से चेन थोड़ा क्लीन करके ल्यूप करना है, तो चेन खींचने का मतलब चेन टूटने का चांसेस है, चेन को मतलब एकदम क्लीन रखना है, क्योंकि इतना मिट्टी चला गया ना उधर, उतना अच्छा वॉश नहीं हुआ, वॉश तो कल ही होगा। और हम लोग भी है शिलोंग के आसपास, शिलोंग हाईवे में। और एक चीज़, फॉग लाइट मैंडेटरी है अगर आप कोई, अभी तो एनफील्ड की तरफ से फॉग लाइट भी आ चुका है, जो स्टॉक 6500 होगा शायद, वो सुपर मीटियोर के मतलब एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था, तो अभी तो स्टॉक आ चुका है रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ 8JG का मर्सिडीज जो लाइट है, एक ही पेयर यूज़ कर रहा हूँ मैं, और एक पेयर मैड डॉग का अल्फा या फिर स्काउट एक्स लगाना है। और फिलहाल 9 बज रहे होंगे, 9:30 हम लोग पहुँच गए गुवाहाटी शहर। अभी हम लोग का होटल वगैरह कुछ डिसाइडेड नहीं है, अभी रुक के देख के जो भी होटल अच्छा लगेगा वही हम लोग लेके आज रात वहीं पे रुकना है, फिर कल सुबह हम लोग का थोड़ा काम है गुवाहाटी सिटी में, एनफील्ड शोरूम जाना है। हम लोग दोनों बाइक गुवाहाटी से लिया हुआ है, साहिला एनफील्ड से, सो उधर जाके थोड़ा कुछ काम है उसका भी और मेरा भी, और मंदिर जाना है पहले तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे वीडियो। भी एक होटल तो दिख रहा था इधर सामने, लेकिन वो लोग बोले कि थोड़ा और अंदर रहना है हम लोगों को। तो मिलते हैं पार्ट थ्री में गुवाहाटी शहर घूमेंगे और निकल जाएंगे सीधा सिलीगुड़ी। हम लोगों का प्लान था शिलोंग, लेकिन अभी चेंज हो चुका है, अभी जाएंगे हम सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से एक दिन रुक के उधर से फिर जाना है नेक्स्ट डे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग रुकना नहीं है, एक जगह से चढ़ना है और उतर जाना है, एक ही दिन में वो पूरा दार्जिलिंग पूरा घूमना है, क्योंकि थोड़ा ये जो ट्रिप है ना ये अचानक प्लान हुआ, और काम भी है हम दोनों का। तो अभी फ़िलहाल के लिए रात में तो होटल लेके के मिलते हैं कल सुबह। चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो।